थे, मेरी भतीजी थी वो, मतलब उनकी बेटी थी। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा होगा, कितने बच्चे फंसे होना चाहिए? कैसे लगी आग, कैसे क्या है, कैसे लगी आग बताइए? आग पहले से लगी हुई थी, लेकिन जब आग जाना बढ़ गई है, जब बाहर पता चला है मुझे। अच्छा, तो वहाँ कितने लोग लगे बचाने के लिए? फायर ब्रिगेड उस टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन पहुंची नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा संजना नाम है। कहाँ से आया? हम परसा से आए हैं। अच्छा, क्या हुआ आपका बच्चा, क्या था? हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था, नीलू कुलदीप का बच्चा है। उस पता नहीं है कि सर बच्चा हमारे आगे लग गई है कि बच्चे के मर गया कि बच गया, कोई जानकारी नहीं है सर। कब डिलीवरी हुई? हमारे 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी। बस क्या लगता कैसे आग लगी, क्या है? हम उन्हें तो अस्पताल वाले डॉक्टर को जानकारी होगी ना कि क्या कैसे आग लगी। हम तो बाहर पड़े थे सर, डॉक्टर ने नहीं बचाया बच्चा, 15-20 बच्चा जल गए सर। बच्चे थे अंदर? कम से कम 100-150 बच्चे थे। 15-20 बच्चे हमने जले जलाए अपने आंखें से देखा है सर, जले जलाए लेके आए हैं हाथन में ऐसे टांग के। अब सर हम क्या करें? प्रशासन क्या कह रहा अभी? अब हमें कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं कह रहा है। आपको बच्चा मिला? नहीं मिला सर, हमें बच्चा नहीं मिला है। अब पता नहीं है कि जल गया है कि बच गया है। कितने साल का बच्चा था? हमारे अब 9 तारीख को बच्चा पैदा हुआ था, मंगलवार को बच्चा हमने यहाँ भर्ती कर किया था। जब आग लगी थी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने ये देखा जैसी बच्ची जैसी आग लगी है वैसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक देखा बच्चों को लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो सिर्फ बाहर से ही गए, अंदर से बाहर हमने कम से कम बच्चों को बचाया है। वो इमरजेंसी थी, 8 या 7 हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 ऐसे कुछ बच्चे हाथ में लगा, कुछ बच्चे उठा गए। कुछ नहीं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, हम बाहर बाहर जा रहे थे। अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचा गए पीछे। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में, जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें दो चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई।